Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय जिसपे हम लोग व्याख्यान करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं लेकिन इसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दूं मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरा बारह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैं न्यायिक अधिकारी भी था आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू और ये मेरा संक्षिप्त परिचय आपसे अब ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि है यह क्या विषय है, है इसको मैं बताऊँ आपको सिविल प्रक्रिया संहिता एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिविल अधिकारों के संरक्षण की बात करती है अगर आपका सिविल अधिकार प्रभावित हो गया आपके सिविल अधिकारों को किसी ने हनन कर दिया तो आप इस सिविल अधिकारों को कैसे संरक्षित कराएंगे इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता आपके पास है तो आप कोर्ट में जाएंगे, वाद पत्र लेकर के जाएंगे वाद पत्र लेकर के जाकर के वाद पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएंगे कि जज साहब हमारे फला फला सिविल राइट का वायलेशन हो गया है तो जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ आप जाएंगे उसको समन जारी किया जाएगा इसके बाद वो बंदा कोर्ट में उपस्थित होगा उपस्थित होगा तो कोर्ट उससे कहेगी आपके खिलाफ वाद पत्र आया है तो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करेगा तो बेसिस ऑफ प्लान एंड रिटर्न स्टेटमेंट इशू फ्रेम किया जाएगा इशू का मतलब विवादक बोलते हैं इसको पार्टी के बीच में क्या डिस्प्यूट है इसके बाद विवाद्यकों के आधार पर कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी विटनेसेस बुलाएगी एविडेंसेस बुलाएगी और मामले को निस्तारित करेगी तो एक तरीके से ये प्रक्रिया है सिविल प्रक्रिया ऐसे ही चलती है और ऐसे सिविल अधिकारों को संरक्षित किया जाता है और परिसीमा भी दी बताता है कि भाई कितने समय में आप न्यायालय में आएंगे आपके पास एक टाइम है उसी टाइम में आपको न्यायालय में आना है ऐसा नहीं है कि आपका अधिकार आज प्रभावित होता है और आप आते हैं दस साल बीस साल के बाद जब सारे एविडेंसेस खत्म हो गए सारे विटनेसेस मर गए तब आप कोर्ट में आएंगे तो मामला डिसाइड नहीं होगा क्योंकि एडवर्सरी लिटिगेशन में एविडेंसेस और विटनेसेस का बड़ा प्रामिनेंट रोल है उनके बिना मामला निस्तारित नहीं हो पाता है तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है तो ये है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि अब इसमें हम लोगों ने सत्रह लेक्चर पे ऑलरेडी बात कर लिया है कुल ये बीस मॉड्यूल में इसको डिवाइड किया है हम लोगों ने सत्रह पे बात कर लिया पॉइंट पे हम लोग हैं और जो अठारहवा लेक्चर है उसको अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको उसको टॉपिक समझ में आएगा क्या है अठारहवें में अस्थायी व्यादेश तथा प्रापक आदेश थर्टी और आदेश फोर्टी ये दो आदेश है सीपीसी के इसमें हम लोग को देखना है अस्थायी व्यादेश आर्डर थर्टी और प्रापक आर्डर फोर्टी तो ये दो है हमारे पास अब इसको आप ध्यान से देखें और स्थाई व्यादेश और प्रापक ये फिर मैं इसको बताऊं इस टॉपिक में आने के पहले मैं आपको बता दूं ये जो है ये एंटरिम आर्डर्स है एक तरीके से अंतर्वर्ती आदेश है एंटरिम आर्डर्स बोलते हैं इसको एंटरिम आर्डर्स आर्डर्स सीपीसी में एंटरिम आर्डर्स है ये अब ये जो एंटिम ऑर्डरस हैं केवल सीपीसी में यही दोनों एंटिम ऑर्डर नहीं है सीपीसी में बहुत अन्य एंटिम है और उसी फैमिली का ये भी एक मेंबर है अस्थाई बे आदेश और प्रापक उसी फैमिली के मेंबर हैं तो अब बहुत सारे कौन-कौन है हमारे पास एंटिम ऑर्डरस जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं जैसे हमारे पास है कमीशन कमीशन ऑर्डर 26 अगर देखेंगे तो कमीशन आपको दिखेगा ये भी एक अंतर्वर्ती आदेश है यह भी एंटरिम आर्डर है कमीशन कमीशन क्या होता है मैं आपको बताऊं कमीशन का मतलब किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन करना है तो कमी कोर्ट कमिश्नर के थ्रू उसको एग्जामिन करना कोर्ट कमिश्नर के थ्रू व्यक्ति जाएगा जाकर के एग्जामिन करेगा रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा ले आकर कोर्ट में सबमिट करेगा और कोर्ट उस आधार पर किसी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन कराना है तो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा जाएगा प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करेगा और ले आकर के न्यायालय में सबमिट करेगा तो इस तरीके से यह भी एक एंटरिम आर्डर है कमीशन इसी तरीके से दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं अटैचमेंट एंड अरेस्ट बिफोर जजमेंट अटैचमेंट एंड अरेस्ट बिफोर जजमेंट आर्डर थर्टी एट ध्यान दीजिए तो जजमेंट के पहले ही प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना जजमेंट के पहले ही उस बंदे को अरेस्ट कर लेना यह भी एक तरीके का अंतरिम आर्डर है इसके बाद आप देखेंगे तो तीसरी बात है हमारे पास स्थायी ब्यादेश जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन इसी तरीके से चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो यह है प्रापक जिसको हम बोलते हैं रिसीवर रिसीवर फोर्टी ठीक है ना तो प्रापक है इसी तरीके से आप देखेंगे तो सिक्योरिटी फॉर कास्ट पांचवा सिक्योरिटी फॉर कास्ट आर्डर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और पेमेंट इनटू कोर्ट छठवां देखेंगे आप पेमेंट इन टू कोर्ट ये है आर्डर ट्वेंटी फोर तो इस तरीके से आप देखिए एक दो तीन चार पांच है बहुत ज्यादा एंट्री है सीपीसी में इस तरीके से और भी हैं तो बहुत एंट्री मार्डर उसी एंट्री में आपके दो एंट्री है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक है टेम्परे इंजंक्शन और दूसरा है रिसीवर प्रॉपर टेम्परेरी इंजंक्शन है रिसीवर तो आर्डर थर्टी नाइन आर्डर फोर्टी तो हम लोग आर्डर थर्टी नाइन से शुरू करते हैं आर्डर थर्टी नाइन टेम्परे इंजंक्शन क्या है अब ध्यान दीजिए टेम्पररी इंजंक्शन में जब आप जाएंगे इसमें नियम एक से लेकर के पांच तक है नियम एक से लेकर के पांच तक और इसमें कुछ प्रिंसिपल भी काम करते हैं अब नियम एक से लेकर पांच तक आने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसको लोकल भाषा में स्टे आर्डर बोलते हैं जो अस्थाई व्यादेश है जिसको हम टेम्पररी इंजंक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम लोकल भाषा में स्टे आर्डर बोलते हैं जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे किसी की प्रॉपर्टी पे स्टे हो गया है ये जो स्टे है किसी की प्रॉपर्टी पे वही है ये अंतरिम अस्थायी व्यादेश अस्थायी व्यादेश टेम्परेरी इंजंक्शन इसको कानून की भाषा में टेम्प्रेरी इंजंक्शन बोलते हैं लोकल भाषा में इसको स्टे आर्डर बोलते हैं तो प्रॉपर्टी एज बिन स्टेड बाई द कोर्ट ऑफ लॉ ये चीज है तो अस्थायी व्यादेश क्या है अब अस्थाई आदेश में जब आप आएंगे तो अस्थाई आदेश में देखेंगे आप आर्डर थर्टी नाइन में वर्णित है आर्डर थर्टी नाइन में और इसमें नियम रूल एक से लेके जो पांच है वो तो टेम्परे इंजंक्शन की बात करता है और इसमें कुल दस रूल है रूल छ से लेके दस तक जो है वो इंटरलोकोटरी आर्डर है यह है इंटरलोकोटरी

या तो प्लेंटिव या तो डिफेंडेंट दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं रूल एक देखिए मैं यहां सा रूल एक इसमें से या तो प्लेंटिव या तो डिफेंडेंट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अब रूल एक शुरू होता है कि एनी सूट इट इज अदरवाइज ध्यान दीजिए एफिडेविट और अदरवाइज रूल एक बोल रहा है किसी भी मुकदमे में या तो एफिडेविट पे या अन्यथा मैंने कोई जरूरी नहीं है कि जब आप इंटर जब आप टेम्पररी इंजंक्शन के लिए जाते हैं तो मामले को आप एफिडेविट के थ्रू लेके जाएंगे कोई जरूर नहीं है अगर एफिडेविट पे आप कोई चीज़ बोल देते हैं तब भी ठीक और एफिडेविट के अलावा भी कोई बोल चीज़ बोल देते हैं तब भी ठीक दोनों चलेगा तो एफिडेविट आर अदरवाइज अगर आप किसी भी मामले में मामला पेंडिंग है और मामला पेंडिंग है मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी पे किसी ने मुकदमा कर दिया है और मुझे लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है जबकि वो प्रॉपर्टी हमारी है हमको लग रहा है उस प्रॉपर्टी का नेचर और फीचर वो चेंज कर देगा उस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चीज़ बनवा देगा या उसमें गड्ढा खोद देगा जो प्रॉपर्टी हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा सूट पेंडिंग है तो मैं इधर अपलीकेशन मेरा एफिडेविट पर सपोर्ट करूँगा या एफिडेविट के अलावा कैसे भी मैं अपलीकेशन लेके जाऊँगा कोर्ट आफला में और जाकर के वहाँ पर प्रेयर करूँगा कि जज साहब हमारी प्रॉपर्टी को जो डिफेंडेंट है वो क्या करेगा डिफेंडेंट इसको वेस्टेज डैमेज या एलियनेट कर देगा वेस्ट कर देगा डैमेज कर देगा या एलिनेट कर देगा या इसको बेच भी सकता है इस तरीके का काम करेगा तो इसलिए इस, इस प्रॉपर्टी पे स्टे ऑर्डर आप दे दीजिए दीजिएरी जारी कर दीजिए कि जब तक मामला निस्तारित ना हो जाए तब तक इस प्रॉपर्टी के नेचर और फीचर में कोई परिवर्तन न किया जाए जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को यथा स्थिति बरकरार रखना यथास्थिति बरकरार रखा जाए तो इसके लिए मैं कोर्ट में अप्लीकेशन दूंगा और कोर्ट से कहूंगा कि आप ऐसा स्थिति बरकरार करने का आदेश कर दीजिए तो ये रूल एक में लिखा हुआ है ये अभी एप्लीकेशन ये जो मैं स्टे आर्डर के लिए दूंगा ये एप्लीकेशन मेरा या तो एफिडेविट पे होगा या अदर देन एफिडेविट होगा दोनों में से कैसे भी हो सकता है और जाकर के मैं कोर्ट में ये बात कहूंगा कोर्ट अगर हमारी बात को मानेगी तो कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट भी कर देगी अगर नहीं मानेगी तो नहीं भी ग्रांट करेगी लेकिन मेरा काम क्या है बिंग द प्लेंटिव मैं ये बात कह सकता हूं कि ऐसा करेगा डिफेंडेंट या इसको वेस्ट कर देगा डैमेज कर देगा तो इसमें या तो प्लेंटिव जाता है डिफेंडेंट के खिलाफ या दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकते हैं रूल एक में दोनों को पावर है डिफेंडेंट भी प्लेंटिव के खिलाफ जाता है स्टे ऑर्डर के लिए तो दोनों में से कोई भी स्टे ऑर्डर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं तो ये रूल एक में लिखा हुआ अब इसके अलावा आप देखेंगे तो रूल टू है हमारे पास रूल टू रूल टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यूअस ब्रीच कर रहा है हमारे और सामने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर करना है हर महीने प्रॉपर्टी डिलीवर करना है उस क्वांटिटी का उस क्वालिटी का और इन लिव ऑफ दैट हमको उसको उतना पैसा जमा करना है मान लीजिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो हमको लग रहा है ये ब्रीच करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को तो ब्रीच करने के पहले ही ऑफ लॉ में एक आवेदन दे देंगे या तो एफिडेविट पे अदरवाइज और उनसे कोर्ट से कहेंगे जज साहब इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए आप स्टे आर्डर ग्रांट कर दीजिए तो रूल टू में इस तरीके का है तो रूल वन टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी पे स्टे आर्डर रूल टू टॉक्स अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे स्टे आर्डर तो इस तरीके से कोई भी संव्यवहार हो सिविल मामले में उसको स्टे करने के लिए रूल एक और दो में व्यवस्था है इधर प्लेटिब और डिफेंडेंट में मूव अपलीकेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ तो उसको स्टे आर्डर के लिए वो मूव कर सकते हैं रूल टू में है अब रूल टू ए में देखिए रूल टू ए में क्या लिखा हुआ है रूल टू ए बोल रहा है कि अगर मान लीजिए स्टे आर्डर ग्रांट हो गया मान लीजिए रूल एक में या रूल दो में स्टे आर्डर ग्रांट हो गया प्लेंटिव के फेवर में मान लीजिए ग्रांट हो गया और डिफेंडेंट उसको डिसओबे करता है डिसओबीडियंस ऑफ इन जंक्शन आर्डर डिफेंडेंट वही नहीं मानता है कोर्ट ने कह दिया कि प्रॉपर्टी के नेचर और फीचर में कोई परिवर्तन नहीं करना है लेकिन वो नहीं मान रहा है आप उस वो प्रॉपर्टी में वो गड्ढा खोद रहा है या उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहा है ऐसा कर रहा है तो क्या होगा डिसोबीडियंस में दो कॉन्सिक्वेंसेस है पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर वन उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी या इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा अरेस्ट कर दिया जाएगा सिविल प्रिजन में अब ध्यान दीजिए जो ये अरेस्ट किया जाएगा इसका अरेस्ट कभी भी तीन महीने से ज्यादा नहीं होगा नॉट मोर देन थ्री मंथस इन टोटल तो तीन महीने से ज्यादा इसको सिविल प्रिजन में नहीं रखेंगे तीन महीने से पहले इसको रिलीज कर देंगे और जो इसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जाएगी यह नॉट मोर देन वन ईयर नॉट मोर देन ईयर इसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है एक साल से ज्यादा नहीं तो यह दोनों का लिमिटेशन है या तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा इसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा जब इसको अरेस्ट करेंगे तीन महीने से ज्यादा नहीं जब इसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे तो एक साल से ज्यादा नहीं अब मान लीजिए इसके बाद भी वो ब्रिज करता जाता है या वो दोषी पाया जाता है जिससे अपोजिट पार्टी को घाटा हो गया क्योंकि ब्रीच कर दिया इसने कंस्ट्रक्शन करा दिया प्रॉपर्टी का नेचर और फीचर चेंज कर दिया तो प्रॉपर्टी को ओरिजिनल पोजिशन में लाने के लिए खर्चा लगेगा तो क्या करेगा इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई इसकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी जाएगी सोल्ड आउट करने से जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ अमाउंट जिसके फेवर में स्टे आर्डर ग्रांट किया गया है उसको दे दिया जाएगा ताकि वो प्रॉपर्टी को फिर से ओरिजिनल पोजीशन में ले आए और जो अमाउंट बचेगा वह जो एक्चुअल ओनर इसका था इसको दे दिया जाएगा अगर बचता है तो नहीं बचता है तो पूरा का पूरा इसको दिला दिया जाएगा तो कहने का मतलब है कि डिस अगर स्टे आर्डर का होगा तो इसका गंभीर परिणाम होगा अरेस्ट भी होगा या अटैचमेंट भी हो सकता है मिनिमम ड्यूरेशन के लिए होगा लेकिन उसी ड्यूरेशन में इसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा भयंकर है जिसमें प्रॉपर्टी बेची भी जा सकती है और अकॉर्डिंगली जो एग्रीब्ड पार्टी है उसको उसके हित को संरक्षित किया जा सकता है तो ये था टू ए डिसबिडियंस ऑफ स्टे आर्डर डिसोबिडियंस ऑफ टेम्परे इंजंक्शन ठीक है इसके बाद आइए रूल थ्री रूल थ्री क्या बोल रहा है रूल थ्री बोल रहा है कि स्टे ऑर्डर जब ग्रांट किया जाएगा तो बिना अपोजिट पार्टी के नोटिस के कभी नहीं ग्रांट किया जाएगा ये जनरल रूल है जैसे मान लीजिए प्लेटिव कहता है कि जज साहब ये प्रॉपर्टी है इसमें हम दोनों लोगों के बीच में मुकदमा है इस प्रॉपर्टी पे आप स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दीजिए तो कोर्ट जब स्टे ऑर्डर ग्रांट करेगी तो ग्रांट करने के पहले अपोजिट पार्टी को नोटिस देगी अपोजिट पार्टी को बुलाएगी जब अपोजिट पार्टी आ जाएगी उसके पास उसको भी सुनेगी और सुनने के बाद ही स्टे ऑर्डर ग्रांट करेगी लेकिन मान लीजिए अगर कोई बहुत ही अर्जेंट मामला है जिसमें अपोजिट पार्टी को अगर बुलाना पड़ेगा और बुला करके स्टे ऑर्डर ग्रांट करना पड़ेगा तो बड़ा डिले हो जाएगा तो डिले से डिफीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो कोर्ट इसमें एक्स पार्टी इंजेक्शन भी ग्रांट कर सकती है एक्स पार्टी टेंपरेरी इंजेक्शन लेकिन इसमें कोर्ट को रीजन लिखना पड़ेगा कि क्या इमीडिएट रीजन था क्या ऐसा डिले से डिफीट होने का इंटरेस्ट क्या था कि बिना अपोजिट पार्टी को बुलाए ही एक्स पार्टी टेंपरेरी इंजेक्शन ग्रांट हो गया कोर्ट को रीजन देना पड़ेगा और कोर्ट को एक और काम करना पड़ेगा जब ये स्टे ऑर्डर ग्रांट करेगी तो इसमें स्टे ऑर्डर का एप्लीकेशन जब ग्रांट हो जाएगा तो जिस व्यक्ति के फेवर में ग्रांट हुआ है उस व्यक्ति को कोर्ट एक डायरेक्शन देगी कहेगी देखो अब आपके फेवर में स्टे आर्डर ग्रांट हो गया अब आप क्या करें आप इस स्टे आर्डर की कॉपी अपने एप्लीकेशन की कापी जो आपने स्टे आर्डर के लिए ले आए थे जो एफिडेविट से आपने सपोर्ट किया था वो एफिडेविट की कापी जो प्लेट की कापी है जो मुकदमा दाखिल हुआ था उसकी कापी ये सब ले जा करके आप अपोजिट पार्टी को आज या कल में सर्व करा दो तुरंत अगर लेट हो गया है गुड लेट इवनिंग हो गई है तो कल तक इसको सर्व कराओ और ले जा करके इमीडिएटली देन एंड देयर इसको सर्व कराना है उसको सर्व कराने के बाद पता नहीं वो सर्व कराया कि नहीं कराया तो कोर्ट दूसरा काम क्या करेगी इसको एग्जामिन करेगी और कहेगी तुम आ जाना और आकर के एफिडेविट पे कहना कि ये सारा कंप्लाइंस तुमने कर लिया है और कोर्ट इसको एग्जामिन भी कर सकती है और एफिडेविट पे ये लिखवा के इससे मांगेगी कि आपने सारा कंप्लायंस कर दिया है तो ये रूल थ्री में है कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन जनरली एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन अगर डिले से ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाए तो फिर कोर्ट जो है बिना अपोजिट पार्टी के सुनवाई के भी रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग में कोर्ट टेम्प्रेरी इंजंक्शन एक्स पार्टी ग्रांट करेगी लेकिन जब ग्रांट करेगी तो इसमें प्रोसीजरल कंप्लायंस है जिसमें स्टे आर्डर की कापी अप्लीकेशन की कापी एफिडेविट की कापी प्लेट की कापी इमीडिएटली अपोजिट पार्टी को सर्व कराया जाएगा और ये सर्व कराने वाला है इसको कोर्ट में उसी दिन या नेक्स्ट डे उसको एफिडेविट पर आकर एक सारी बात बतानी पड़ेगी हमने ऐसा कर दिया और उसका एग्जामिनेशन होगा तो ये पूरा हमारा था रूल थ्री मीन्स एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन इसके बाद देखेंगे आप रूल थ्री कैपिटल ए है इसमें रूल थ्री कैपिटल ए ये क्या बोलता है रूल थ्री कैपिटल ए रूल थ्री कैपिटल ए ये बात बोलता है कि अगर आप एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करते हैं एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन तब आपको क्या करना है तब आपको अप्लीकेशन को एनी हाउ विद इन थर्टी डेज में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा विद इन थर्टी डेज

रूल फोर बोलता है Order का? Rule 4 बोलता है कि मान लीजिए एक बार ग्रांट हो गया, तो क्या इसको वेरी कर दिया जा सकता है? क्या इसको किया जा सकता है को? तो और का क्या रूल है तो इसमें रूल फोर में लिखा हुआ है कि जनरली तो सेटिसाइड और वेरिएशन नहीं होगा लेकिन अगर कोर्ट ने एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया है एक्स पार्टी जिसमें पार्टी जिसमें अपोजिट को नहीं सुना गया है और बाद में उसको पता चलता है कि जो अपनी दिया गया था वो अप्लीकेशन फालस था, था और कोर्ट ने उसको रिलाई करके एक्स पार्टी जल्दी से ग्रांट कर दिया जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा कोर्ट को समझ में आ रहा है तो कोर्ट क्या करेगी खारिज कर देगी स्टे ऑर्डर को खारिज कर देगी लेकिन वो भी तब जब उससे अन्याय हो रहा है अपोजिट पार्टी को लेकिन मान लीजिए सबके बाद भी अगर अपोजिट पार्टी को अन्याय कोई नहीं हो रहा है तो नहीं भी खारिज करेगी तो ये लिखा हुआ है रूल फोर में और कह रही है कि अगर मान लीजिए एक्स पार्टी नहीं इंजंक्शन ग्रांट हुआ है इंजंक्शन ग्रांट करते समय दोनों पार्टी को सुन करके ग्रांट हुआ है तब कोर्ट को अगर इसको खारिज करना है वेरी करना है या सेटिसाइड करना है तो जनरली नहीं करेगी केवल एक आधार पे करेगी वेन देर इज चेंज इन सरकम माने परिस्थितियां ही चेंज हो गई जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां चेंज हो गई तो कोई बात नहीं है जो परिस्थितियां चेंज हो गई तो फिर इसमें इसको परिस्थितियों के चेंज के आधार पर सेटिसाइड कर दो क्योंकि उस समय परिस्थिति थी स्टे ऑर्डर की अब परिस्थिति नहीं है नाउ बीन इसलिए अब इसमें स्टे ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है तो फिर भी सेटिसाइड किया जा सकता है तो जब सुनवाई के आधार पर हुआ है तो चेंज ऑफ सरकम स्टांसिस के आधार पर ही सेटिसाइड होगा और सुनवाई पर नहीं हुआ है तो कोर्ट कर सकती है लेकिन अगर कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है किसी को नहीं भी कर सकती है तो ये है रूल फोर इसके बाद आप आएंगे देखेंगे रूल फाइव रूल फाइव रूल फाइव क्या बोल रहा है रूल फाइव बोल रहा है कि ये जो अपल इंजंक्शन टू देशन अगर मान लीजिए इंजंक्शन किसी कारपोरेशन के खिलाफ जारी कर दिया गया तो ये इसके किसके ऊपर जैसे मान लो आईआईटी कानपुर है आईआईटी कानपुर के खिलाफ स्टे आर्डर ग्रांट कर दिया टेम्पर इंजंक्शन ग्रांट कर दिया सिविल कोर्ट ऑफ कानपुर ने तो ये इंजंक्शन ऑर्डर किसके ऊपर लागू होगा तो कह रहे हैं कि ये ऑफिसर्स ऑफ कॉर्पोरेशन के ऊपर ये के जो ऑफिसर होते हैं हो क्योंकि तो एक व्यक्ति तो को नहीं कह सकते कि दिस पर्सन इज कॉर्पोरेशन नेचुरल पर्सन तो है नहीं जुरिस्टिक पर्सन है जिसमें एग्रीगेट एंड मल्टीपल पर्सन आर कंबाइंडिंग टुगेदर तो इसमें क्या करते हैं इसमें द हेड एंड ब्रेन ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन टू बी हेल्थ रेस्पॉन्सिबल तो ऑफिसर्स को बाइंड कर देते हैं ठीक है ना तो ये है इसमें रूल फाइव तो ये हम लोगों ने देखा स्टे आर्डर की बात तो हम लोगों ने क्या देखा टेम्परे है अप्लाई फॉर स्टे आर्डर एक तो प्रॉपर्टी के लिए दूसरा ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के लिए इसके बाद हम लोगों ने देखा रूल टू ए अगर डिस करेंगे तो दो कॉन्सिक्वेंस है अटैचमेंट और अरेस्ट रूल थ्री हम लोगों ने देखा कि जनरली एक्स पार्टी नहीं लेकिन कभी कभी एक्स पार्टी भी हो सकता है जहां पे डिले से डिफीट हो जाएगा लेकिन एक्स पार्टी होगा तो सारे प्रोसीजरल कंप्लायंस को ध्यान में रखना है और थ्री ए कह रहा है कि अगर एक्स पार्टी इंजंक्शन आप ग्रांट कर रहे हैं तो आपको अप्लीकेशन को विद इन थर्टी डेज में डिस्पोज आप करना चाहिए और रूल फोर कह रहा है कि सेट इसाइड नहीं होगा वेरिएशन नहीं होगा लेकिन अगर बिना सुने आपने किया है तो वेरिएशन कर सकते हैं सुन के अगर आपने किया है तो चेंज इन सरकम में वेरिएशन करेंगे और रूल फाइव कर रहा है कि अगर इंजंक्शन कारपोरेशन को है तो यह उसके पे लागू हो जाएगा तो ये हम लोगों ने स्टेच्यूटरी प्रोविजन देखा टेम्पररी इंजेंशन का रूल एक से लेकर रूल पांच तक तो ये आर्डर थर्टी नाइन का रूल एक से पांच टेम्पररी इंजंक्शन और रूल छे से दस इंटरलोकोटरी ऑर्डर की बात करें इंटरलोकोटरी ऑर्डर क्या है ये ये थिंग ऑफ नेचुरल डीके है मान लीजिए तो उसके डिस्पोज आपके लिए जो ऑर्डर होता है उसको हम इंटरलोकोटरी ऑर्डर बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई आम का बगीचा है और उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं लेकिन ये नहीं पता है कि हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ़ दिस पर्टिकुलर गार्डन तो ओनरशिप ऑफ दिस गार्डन इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफला कोर्ट ऑफला में मुकदमा पेंडिंग है कि कौन इसका एक्चुअल ओनर है इसको डिसाइड कर दीजिए तो कोर्ट पहले इसको डिसाइड करेगी कि हुई इज द एक्चुअल ओनर मान लीजिए डिसाइड करने में दो साल लग जाता है लेकिन अभी आम से पूरा बगीचा लदा हुआ है तो क्वेश्चन है कि आम का फल कहाँ जाएगा इसको कहाँ रखा जाएगा तो इसमें इंटरलोकेटरी ऑर्डर कोर्ट ग्रांट कर देती है कि आम का फल फिलहाल फलाबंदे के पास होगा जो इसको जब पक जाएगा तो इसको बेचेगा और सेल प्रोसीड कोर्ट में जमा करेगा तो ऐसे ऑर्डर को इंटरलोकोटरी ऑर्डर बोलते हैं तो ये रूल छह से दस तक ये भी है तो ये चूंकि हमारे मॉड्यूल में नहीं है हम लोग केवल टेम्पररी इंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो रूल एक से लेकर पांच तक मैंने आपको बता दिया टेम्पररी इंजंक्शन ये स्टेचुटरी प्रोविजन है टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अब आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं देखिए सिद्धांत इसमें कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं ध्यान दीजिए प्रिंसिपल्स हैं कुछ सिद्धांत हैं जिसमें स्टे आर्डर का कॉन्सेप्ट बेस्ड है .E और ये तीन सिद्धांत है एक दो और तीन पहला सिद्धांत है इसको हम बोलते हैं प्राइमा फैसा केस प्राइमा फैसाई केस दूसरे को हम बोलते हैं इर रेपरेबल लॉस और तीसरे को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ

तो फिर कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट करने का कोर्ट का कोई सवाल ही नहीं है तो दोनों व्यक्तियों के बीच में देयर मस्ट बी मटेरियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज तब तो स्टे ऑर्डर की बात आती है नहीं तो स्टे ऑर्डर की कोई बात नहीं आएगी तो प्राइमा फेसाई केस मींस देयर मस्ट बी पेंडिंग केस बिटवीन द पार्टी फॉर इंपॉर्टेंट मैटर्स तो केवल मैटर पेंडिंग ओलेस नहीं होगा इंपॉर्टेंट इशू इन्वॉल्व है बिटवीन द पार्टीज तो दूसरे फेसाई केस है दूसरा इरेपरेबुल लॉस इेबल लॉस का मतलब यह है कि अगर स्टे ऑर्डर नहीं ग्रांट किया जाएगा मान लीजिए प्लेंटिव अप्लाई कर रहा है तो प्लेंटिव कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास करेगा कि जज साहब अगर ये स्टे ऑर्डर आप हमारे फेवर में नहीं ग्रांट करेंगे तो हमको जो लॉस होगा हमको जो घाटा होगा वो घाटा कैसा होगा इेपेरेबल ध्यान दीजिए जिसको रिपेयर न किया जा सके जिसको रिपेयर न किया जा सके इेपेरेबल लॉस होगा ठीक है ना का मतलब विच नॉट बी कंपनसेटेड थ्रू मनी जिसको हम पैसे से कंपनसेट न करा सके ऐसा लॉस हो जाएगा तो पैसे से कंपनसेट न करा जा सके अपूर्णीय क्षति इसको बोलते हैं इेपरेबुल लॉस बोलते हैं ठीक है ना तो और तीसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ध्यान दीजिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का क्या मतलब सुविधा संतुलन बोलते हैं इसको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब यह है प्लेटिव जब स्टे ऑर्डर के लिए जाएगा तो कहेगा जज साहब अगर ये आप ग्रांट कर देंगे हमारे तो हमको सुविधा होगी बहुत ज्यादा अपोजिट पार्टी को असुविधा होगी मान लीजिए लेकिन उसकी असुविधा और मेरी सुविधा को अगर हम तराजू पे तोड़ेंगे तो हमारी सुविधा बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू उसकी इनकन्वीनियंस उसकी असुविधा तो ऐसा नहीं है उसको असुविधा नहीं होगी उसको भी होगी लेकिन उसकी असुविधा अगर थोड़ी है तो मेरी जो सुविधा है वो बहुत ज्यादा है तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कन्वीनियंस किसके तरफ ज्यादा है जिसके तरफ कन्वीनियंस ज्यादा है उसी के फेवर में स्टे ऑर्डर ग्रांट होगा ये फार्मूला है तो ये तीन प्रिंसिपल पे काम करता है ये टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर थर्टी नाइन में प्राइमा फैसाई केस होना चाहिए व्यक्तियों के बीच में दूसरा है इेपरेबुल लॉस माने लॉस ऐसा जो रिपेयर ना हो सके जिसमें मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ तो मनी से काम नहीं बनेगा रादर उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसमें हम लोगों को और आगे बढ़ के देखना है मनी इज नॉट दफिशियंट मीन और तीसरा है इेपेरेबल लॉस माने ऐसा और तीसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस माने सुविधाओं का लाभ तो जिसके तरफ सुविधा ज्यादा होगी उसको स्टे आर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा तो ये तीनों प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं तीनों प्रिंसिपल पे पूरा ये स्टे आर्डर आर्डर थर्टी नाइन का बेस्ट तो ये जब आप पढ़ें इसको थर्टी नाइन का रूल एक से पांच तो इसमें ये प्रिंसिपल्स को भी आप पढ़ें हालांकि लेकिन बेस्ड है तो ये था अस्थायी टेम्परे इंजंक्शन जिसको हम बोलते स्टे ऑर्डर ये था अब आगे वाले मॉड्यूल पे चलते हैं इसी में प्रापक रिसीवर आदेश चालीस रिसीवर रिसीवर आर्डर ऑर्डर फोर्टी रिसीवर तो अब रिसीवर पे हम जाते हैं देखिए ये क्या है रिसीवर इसमें जब आप देखेंगे तो रिसीवर भी एक तरीके का एंट्री मार्डर है ये भी एक तरीके का एंट्री मार्डर है रिसीवर में हम आए अभी रूल पे इसके तब तक मैं इसको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है रिसीवर एक ऐसी चीज है आदमी होता है जिसको अपॉइंट करती है कोर्ट किस चीज के लिए टू रिसीव समथिंग जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में एक जमीन का डिस्प्यूट है और इस समय मान लीजिए गेहूँ की खेती लगी हुई है और पाँच एकड़ जमीन है दो लोगों के बीच में ये झगड़ा है ये जमीन इनकी है कि ये जमीन इनकी है मान लीजिए ऐसा झगड़ा है अब क्वेश्चन है कि जमीन चाहे ए की है चाहे बी की है दोनों में से किसी एक की है लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि ये जमीन ए की है कि बी की है लेकिन उस पूरे जमीन में गेहूं की खेती लगी हुई है बहुत बढ़िया अब क्वेश्चन है कि भाई ये गेहूं की खेती को का जो प्रोसीड है क्राप का जो प्रोसीड है इसको कौन रखेगा तो पहले तो प्रॉपर्टी पता चले किसकी है और तब तो प्रोसीड की बात आएगी तो अभी प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करने में प्रॉपर्टी ए की है कि बी की अभी तो टाइम लगेगा एक आध साल लग जाएगा लेकिन गेहूँ की फसल किसके हाथ में दी जाए तो कोर्ट इसमें क्या कर दिया कोर्ट इसमें रिसीवर अपॉइंट कर देती है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं में रिसीवर अपॉइंट कर देगी ये रिसीवर का क्या काम होगा रिसीवर इस गेहूं की कटाई करवाएगा गेहूं को रखेगा अपने पास फिर उसको बेचेगा इसका पैसा कोर्ट में जमा करेगा ये रिसीवर का काम है जिसके फेवर में प्रॉपर्टी डिसाइड होगी लास्टली ये प्रॉपर्टी ये सेल प्रोसीड से जो गेहूं मिला है वो गेहूं का पैसा उसको दिलवा दिया जाएगा ये रिसीवर का काम है तो रिसीवर इन बिटवीन काम करता है मैटर इज पेंडिंग इज एक्चुअल ओनर अभी तक डिसाइडेड नहीं है तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करके और जो सेल प्रोसीड है जो प्रोसीड उससे निकल के आ रहा है वो और रिसीवर। अब इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग इसको देखेंगे तो आर्डर फोर्टी में आइए इसमें भी पांच रूल है रूल एक क्या बोलता है रूल एक रूल एक को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको देखेगा कि रूल एक क्या बता रहा है आर्डर फोर्टी का रूल एक में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जब रिसीवर का अपॉइंटमेंट होगा तो इसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है ध्यान दीजिए तो कोर्ट कभी भी रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है कोर्ट में जब कोर्ट थिंक इट जस्ट एंड प्रॉपर ध्यान दीजिए जस्ट एंड प्रॉपर ये बड़ा वाइड जो रिस्डिक्शन है कोर्ट ऑफ लॉ को कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब कोर्ट को लगे कि जस्ट और प्रॉपर है तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकती है अपॉइंट कर सकती है इधर बिफोर और आफ्टर द डिक्री ध्यान दीजिए बिफोर और आफ्टर द डिक्री डिक्री के पहले भी और डिक्री के बाद भी कभी भी रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है डिक्री के पहले भी डिक्री के बाद भी तो कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग व्हेन कोर्ट थिंक इट जस्ट एंड प्रॉपर

और इसमें रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि भाई इसको रिमूव करिए इसकी कोई जरूरत नहीं है रिसीवर इसमें से जो भी प्रोसीड निकलेगा रिसीवर रखेगा इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो इस बंदे को रिमूव किया जा सकता है दूसरा इसके रिसीवर को इसमें पजेशन दिलवा दिया जाएगा इसको हटाना और रिसीवर को इसमें पजेशन दिलवाना ये भी काम है रिसीवर को इसमें पजेशन दिलवा दिया जाएगा और तीसरा रिसीवर को कुछ पावर्स दिए जाएंगे रिसीवर्स को कुछ पावर्स दिए जाएंगे कौन कौन पावर है रिसीवर को बहुत सारे पावर हैं रिसीवर इस प्रॉपर्टी का रियलाइजेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ये सब देखेगा प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट रियलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये सारी चीजें लिखी गई हैं ध्यान दीजिए तो ये सारे पावर है रिसीवर के ये इसको प्रिजर्व करेगा प्रोटेक्ट करेगा इसको इंप्रूव करेगा रियलाइज करेगा मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को माने इस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुकदमा दाखिल करना है रिसीवर दाखिल करेगा इस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज डिस्ट्रॉय करेगा रिसीवर पूरा उसकी देखभाल करेगा रिसीवर इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा रिसीवर इसका पूरा मैनेजमेंट देखेगा तो प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट प्रिजर्वेशन ये सारा देखेगा माने रिसीवर ऐसे काम करेगा जैसे इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये सारा उसका पावर है तो रिसीवर को इस सारे पावर के साथ रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा ये लिखा हुआ है रूल एक में आदेश चालीस का रूल एक तो जब भी आप रिसीवर अपॉइंट करेगी कोर्ट ऑफला तो कोर्ट ऑफला उसको कभी भी डिक्री के पहले या डिक्री के बाद कभी भी कोर्ट में जब कोर्ट थिंक फिट जस्ट एंड कन्वीनियंट कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है और रिसीवर को जब अपॉइंट करेगी तो ऑलरेडी अगर कोई में है तो उसको हटा दिया जाएगा रिसीवर को पोजेशन दिलवा दिया जाएगा और रिसीवर को एक काम और करना है कि रिसीवर को ये सारे पावर असाइन कर दिए जाएंगे प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये सारे पावर असाइन कर दिए जाएंगे अब रूल टू में देखिए आप रूल टू रूल टू में क्या है रूल टू में रेमेशन की बात है रेमोनरेशन रेमोनरेशन किसी को भी आप प्रापक जब अपॉइंट करेंगे रिसीवर अपॉइंट करेंगे तो प्रापक क्यों बनेगा वो रिसीवर क्यों बनेगा उसका अपना भी काम है घर का तो आप वो रिसीवर तभी बनेगा जब उसको आप कोई रेमोनरेशन देंगे तो रूल टू में लिखा हुआ है इसको रेमोनरेशन भी कोर्ट फिक्स करेगी और जितना रेमोनरेशन कोर्ट फिक्स कर देगी इतना इसको रेमोनरेशन मिलता रहेगा उस रेमोनरेशन में काम करेगा तो रेमोनरेशन भी इसको मिलेगा इसके बाद रूल थ्री बता रहा है रूल थ्री की ड्यूटी क्या है इसकी Power तो हम लोगों ने देख लिया प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट रियलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अब इसकी ड्यूटी क्या है रिसीवर की तो रिसीवर की तीन चार ड्यूटियां प्रॉपर्टी से जो रिलेट करता है वो सब ये मेंटेन करेगा अकाउंट मेंटेन करेगा कितने का बेचा कितना पाया कितना कोर्ट को दिया कितना अपने पास रखा कितना खर्चा हुआ ये अकाउंट मेंटेन करेगा ये इसकी पॉली ड्यूटी है दूसरी ड्यूटी क्या है इसकी इसके सेकेंड ड्यूटी है कि यह अकाउंट को कोर्ट के पास समय समय पे सबमिट भी करेगा केवल मेंटेन ही नहीं करेगा रादर यह कोर्ट को समय समय पे इस अकाउंट की जानकारी देते भी रहेगा और पॉइंट नंबर इस अमाउंट को यह कोर्ट में पे भी करता रहेगा अगर कोर्ट इसको डायरेक्ट करती है जब 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 कोर्ट डायरेक्ट करेगी इस अमाउंट को जो अकाउंट मेंटेन किया है जो कोर्ट को समय समय पर बताया है कोर्ट अगर मांगेगी तो कोर्ट में पे भी करेगा यह भी इसकी जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस भी है यह ग्रास नेग्लिजेंस करता है या विलफुल डिफॉल्ट करता है अगर यह विलफुल डिफॉल्ट करता है या नेग्लिजेंस करता है तो यह रिस्पॉन्सिबल भी होगा ध्यान दीजिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा विलफुल नेग्लेक्ट करता है विलफुल डिफॉल्ट करता है या नेग्लिजेंस करता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा तो ये इसकी ड्यूटी है अकाउंट मेंटेन करना कोर्ट को समय समय पे बताना कोर्ट में पेमेंट करना और विलफुल डिफॉल्ट या नेग्लिजेंस में रिस्पॉन्सिबल होना तो ये सारी इसकी ड्यूटी है रिसीवर की ये ड्यूटी को फुलफिल करेगा अब रूल फोर क्या है देखिए रूल फोर रूल फोर कर रहा है इंफोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटी जनरली देखिए ड्यूटीज इन्फोर्सिबल नहीं होती ड्यूटीज सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल हैं हमारा मन करेगा हम मानेंगे हमारा नहीं मन करेगा हम नहीं मानेंगे ड्यूटीज का यही है महत्व तो। लेकिन यहाँ पे प्रापक जो है रिसीवर जो है इसकी ड्यूटी का इन्फोर्समेंट भी करा दिया जाएगा ये रूल चार में लिखा हुआ है तो इसकी ड्यूटी को इन्फोर्स कराने के लिए क्या करना है रूल चार में देखिए कई चीज है पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी पॉइंट नंबर सी तीन बातें हैं पॉइंट नंबर ए जब यह अपने अकाउंट को सबमिट करने में फेल कर जाता है हम लोगों ने देखा ना अकाउंट मेंटेन करेगा मान लीजिए अकाउंट को यह मेंटेन नहीं कर पाता है तो कोर्ट इसको अबलाइज करेगी कि भाई आप क्यों नहीं अकाउंट को मेंटेन करते हैं आप अकाउंट को मेंटेन करिए और मेंटेन करके हमको फर्निश करिए तो ये बात है तो यहां इसकी ड्यूटी को इनफोर्स कर दिया जाएगा जब यह पे करने में फेल कर जाता है यहां इसको पे करना था और यह पे नहीं करता है तो फिर कोर्ट इसको बाउंड करेगी कि आप इसको पे करो कोर्ट में क्योंकि आप इसीलिए होगी आप अकाउंट मेंटेन करोगे और जो पैसा आप रिसीव करोगे वो कोर्ट में पे करोगे तो आप क्यों नहीं पे कर रहे हो तो इसके लिए कोर्ट इसको बाध्य कर सकती है और तीसरा है कि अगर यह विलफुल डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस करता है और जिससे प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है तो इसके लिए भी इसके ऊपर कंपल्सन होगा कि आपके विलफुल नेग्लेक्ट से और आपके इस डिफॉल्ट करने से नेग्लिजेंस करने से प्रॉपर्टी को लॉस हो गया तो आप इसको भी आइए और इसकी जिम्मेदारी को वहन करिए तो इसमें क्या हो जाएगा इस ड्यूटी को इन्फोर्स करने में अगर अकाउंट नहीं फर्नेस करता पेमेंट नहीं करता लॉस हो जाती है प्रॉपर्टी को इसको इसके नेग्लिजेंस से तो इसके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा रिसीवर की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया जाएगा अटैच करके इसको सेल कर दिया जाएगा सेल करने के बाद जो सेल प्रोसीड बचेगा जो सेल प्रोसीड मिलेगा उस सेल प्रोसीड से कंपनसेट किया जाएगा प्रॉपर्टी के लॉस को और जो बच जाएगा वो इसको रियलाइज कर दिया जाएगा इसको दे दिया जाएगा तो ये पूरा इसका कॉन्सिक्वेंस है रूल तीन और रूल चार एक साथ चलता है इसकी ड्यूटी है और ड्यूटी का इन्फोर्समेंट है रूल तीन और रूल चार और लास्टली इसका है रूल पांच रूल पांच क्या बोलता है रूल पांच बोलता है कि व्हेन कलेक्टर में भी अपॉइंटेड एज रिसीवर तो कभी कभी ना कलेक्टर जो होता है जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट का तो कलेक्टर भी कभी कभी रिसीवर अपॉइंट हो सकता है किस प्रॉपर्टी के लिए वो प्रॉपर्टी जो लैंड रेवेन्यू पे करती है ध्यान दीजिए लैंड रेवेन्यू जो प्रॉपर्टी लैंड रेवेन्यू के लिए लाइबल है उस प्रॉपर्टी के लिए कलेक्टर में भी अपॉइंटेड एज रिसीवर उसमें रिसीवर कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया जा सकता है

रिसीवर ये दोनों जो हैं एंटरिम आर्डर फैमिली के मेंबर्स हैं माने ये कोई अलग तरीके की व्यवस्था नहीं है कि ये कोई अलग चीज़ हम पढ़ रहे हैं ऐसा और भी प्रावधान है और उसी में से ये भी एक प्रावधान है एंटरिम आर्डर फैमिली का एक मेंबर है एंटरिम आर्डर्स बहुत हैं हमारे पास जैसे हम लोगों ने देखा कमीशन एक एंट्रीम आर्डर है जैसे हम लोगों ने देखा कि पेमेंट इन टू कोर्ट एंड सिक्योरिटी फॉर कास्ट ये भी एक एंट्रीम आर्डर है जैसे हम लोगों ने देखा कि अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ये भी एंट्री में मर्डर है उसी तरीके से टेम्परेरी इंजंक्शन और रिसीवर uh, ये दोनों भी मींस uh, तो, uh, एंट्री में आर्डर्स uh, uh, हैं तो देर आर मेनी एंट्री में आर्डर्स इन कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर्स जिसमें टेम्परेरी इंजंक्शन और रिसीवर भी इसमें मीन्स एंट्रीम आर्डर्स हैं तो एंट्रीम आर्डर्स का मतलब ये होता है कि मुकदमा चलता रहेगा इसी बीच में इसका काम होगा ऐसा नहीं है कि मामले को मेरिट पे डिसाइड करने जा रहा है मामला पेंडिंग है दो लोगों के बीच में मामला स्टिल गोइंग ऑन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन बिटवीन ये सारे चीजें आएंगे जैसे हम टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करें हम रिसीवर की बात करें इन बिटवीन बीच में आएंगे अब जैसे हम लोगों ने टेम्परेरी इंजंक्शन की बात किया तो ये बीच में आया क्योंकि मुकदमा जैसे मान लीजिए स्पेन के लिए दो लोगों के बीच में मुकदमा चल रहा है अब जब दो लोगों के बीच में मुकदमा चल रहा है तो स्पेन के नेचर और फीचर में परिवर्तन न कोई भी पार्टी कर सके तो अभी मामला तो डिसाइड होना है पेन किसकी है लेकिन बीच में ही कि इसके नेचर और फीचर में कोई परिवर्तन न हो जाए क्या करना है हम कोर्ट में एप्लीकेशन दे देंगे हम कहेंगे जज साहब अपोजिट पार्टी इस प्रॉपर्टी को वेस्ट करेगा डैमेज करेगा एलियनेट कर देगा इसलिए आप क्या करें आप स्टे आर्डर हमारे फेवर में ग्रांट कर दें ताकि उस प्रॉपर्टी में कोई भी नेचर और फीचर में परिवर्तन तो न कर सके व्यथा यथास्थिति बरकरार रखे इसके लिए मैं एक अपलीकेशन दूंगा मेरे मेरा अप्लीकेशन एफिडेविट पर सपोर्टेड भी हो सकता है और बिना एफिडेविट के भी हो सकता है तो जब मैं ऐसा अपलीकेशन दूंगा तो कोर्ट ऑफ ला क्या करेगी कोर्ट ऑफ लॉ हमारे एप्लीकेशन को देखेगी अगर कोर्ट ऑफ लॉ को लग रहा है कि हमारे एप्लीकेशन में दम है तो कोर्ट स्टे आर्डर हमारे फेवर में ग्रांट कर देगी नहीं तो नहीं भी ग्रांट करेगी

और ग्रांट होने के बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ ग्रांट हुआ है वो उसको कर रहा है वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा जब उसका प्लान पालन नहीं करेगा तो दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा या उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी को जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसका एक लिमिट है एक साल से ज्यादा अरेस्ट नहीं किया जाएगा एक साल से ज्यादा अरेस्ट नहीं किया जाएगा और जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो तीस दिन से ज्यादा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा ये भी बात है तो अगर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया तो प्रॉपर्टी उसके सेल आउट भी हो सकती है जिससे अपोजिट पार्टी को जो घाटा हुआ है उसको कंपनसेट कराया जाएगा तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है ठीक है तो ये था रूल टू ए अब रूल थ्री पे आएंगे तो रूल थ्री कराया कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन तो जनरली एक्स पार्टी नहीं होगा दोनों पार्टी के सुनने के बाद ही टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट होता है जनरली लेकिन आप देखेंगे तो रूल थ्री में यह है कि भाई अगर डिले से डिफीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पूरे स्टे ऑर्डर का तो कोर्ट बिना अपोजिट पार्टी के सुनवाई के भी स्टे ऑर्डर ग्रांट कर देती है लेकिन जब बिना सुनवाई के ग्रांट करेगी तो कोर्ट को रीजन लिखना पड़ेगा कि कौन ऐसी अर्जेंसी थी कौन ऐसा डिले था जिससे ऑब्जेक्टिव डिफीट होने की संभावना थी कि आपने इसको पहले ही दे दिया तो आपको इस बात को बताना पड़ेगा तो इस चीज को बताएगी कोर्ट रीजन में और दूसरा जब बिना अपोजिट पार्टी के सुने जब स्टे ऑर्डर देगी तो कोर्ट एक और प्रोसीजर फॉलो करेगी जिस व्यक्ति के फेवर में स्टे ऑर्डर हुआ है उसको इस ऑर्डर की कॉपी अप्लीकेशन की कॉपी मुकदमे की कॉपी ये सारी कॉपी इसको दे करके कहेगी ले जाओ और जिसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर हुआ है उसको ले जाकर के सर्व कराओ और सर्व करा करके तुरंत आओ और आकर के कोर्ट को एफिडेविट भी बताओ कि तुमने ये काम कर दिया तो ये सारा कंप्लायंस कराएगी कोर्ट रूल थ्री में और रूल थ्री ए में लिखा हुआ है आर्डर थर्टी में कि जब स्टे ऑर्डर अगर एक्स पार्टी ग्रांट हुआ है तो इस एप्लीकेशन को तीस दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है इसमें डिले नहीं करना है क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी आपको डिस्पोज ऑफ आप करना है है तो ये रूल थ्री ए रूल फोर ए में है कि अगर स्टे ऑर्डर ग्रांट हो गया है तो क्या इसमें वेरिएशन भी हो सकता है क्या इसको सेटिसफाइड भी किया जा सकता है जनरली तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट करिए कि अगर अपोजिट पार्टी को बिना सुने स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ था तो क्या होगा तो कोर्ट इसको सेटिसाइड कर सकती है अगर एप्लीकेशन आता है कि वो जो एप्लीकेशन दिया था वो वैक्सीसियस था वो अननेसेसरी था उसमें फ्रॉड कमिट कर दिया मटेरियल चीजों को कंसील कर दिया ऐसा कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट खारिज कर देगी स्टे ऑर्डर को लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कोर्ट नहीं भी खारिज करेगी लेकिन अगर अपोजिट पार्टी को सुनने के बाद स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ है तब तभी है इसको वेरिएशन होगा जब परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए चेंज इन सरकम स्टांसेस तो चूंकि परिस्थितियां बदल गई स्टे ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है तो खारिज भी हो सकता है तो ये रूल फोर में लिखा और रूल फाइव में लिखा हुआ है कि अगर स्टे ऑर्डर कारपोरेशन के खिलाफ है तो किसके अगेंस्ट बाइंडिंग होगा वह उनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट बाइंडिंग होगा तो ये हम लोगों ने आर्डर थर्टी नाइन का रूल एक से लेकर के रूल पांच तक का पूरा ग्रुप देखा था

इनके बीच में रियल मैटर डिस्प्यूट में है कि नहीं है ये सारे अगर ऐसा है है तब तब कोई बात नहीं स्टे ऑर्डर ग्रांट किया जाएगा दूसरा है इेपरेबल लॉस इेबल लॉस का मतलब होता है कि द लॉस विच कैन नॉट बी कम्पनसेटेड थ्रू मनी मैंने पैसे से जिस घाटे की जिस क्षतिपूर्ति जिस क्षति को पैसे से पूरा नहीं किया जाए ऐसे घाटे को हम बोलते हैं अपूर्णीय क्षति रिपेरेबल लॉस जिसको रिपेयर कर ही नहीं सकते तो अगर स्टे आर्डर नहीं ग्रांट करेंगे ऐसा लॉस हो जाएगा जिस लॉस को आप पैसे से नहीं रियलाइज कर सकते तो उसमें स्टे आर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा और तीसरा होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या स्टे आर्डर ग्रांट करने से जो कन्वीनियंस होगा जिस फेवर को जिस पर पार्टी को ग्रांट की जाती है उसको जो कन्वीनियंस होगा क्या इसका कन्वीनियंस ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इनकन्वीनियंस विच सॉट बाई द अपोजिट पार्टी अगर इसका आंसर अफर्मेटिव में है तो स्टे आर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा इसका अगर आंसर निगेटिव में है तो स्टे स्टेडर ग्रांट नहीं किया जाएगा तो ये तीनों प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पर कोर्ट को सुनती है अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं मैं कोर्ट ऑफ लॉ में देखा था इस तीनों पॉइंट पे जब प्लेंटिव का एडवोकेट अगर आर्ग्यू किया एक मामला था मेरे कोर्ट में जब मैं दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो मैंने देखा था कि जब प्लेंटिव का जो एडवोकेट था जब वो आया स्टे आर्डर के लिए तो ऐसा स्टे आर्डर ग्रांट कर देना चाहिए क्योंकि उसने बहुत ही कायदे से इन तीनों प्रिंसिपल में बास किया कि प्राइमा फैसा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी है और इरेपरेबल लॉस है हमारे क्लाइंट को लेकिन उसी में जब डिफेंडेंट का एडवोकेट आता है और जब वो आर्ग्यू करता है तो ऐसा लगता है जैसे स्टे आर्डर नहीं ग्रांट किया जाना चाहिए क्योंकि ये तीनों प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट है जिसपे पूरा कोर्ट का परसेप्शन बदल सकता है तो ये तीनों प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत लीडिंग केसेस भी हैं क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है हमारे पास तो मैं केवल रूल्स पे और प्रोविजन और सिद्धांतों पर मैं हूँ मैं बहुत ज्यादा इसको दाएं बाएं लेकर नहीं जा रहा हूँ तो बट लेकिन ये तीनों प्रिंसिपल हैं जिसमें टेम्परेरी इंजंक्शन की बात होती है तो ये था आर्डर थर्टी इसके बाद आइए आदेश चालीस रिसीवर तो रिसीवर को हम लोगों ने देखा मैंने आपको बताया कि कि रिसीवर कब जब इस तरीके की सिचुएशन हो प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड है वो किसके हाथ में जाए क्योंकि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की की टाइटल अभी फिक्स नहीं है कि की है कि कि ए बी की है तो आखिर उसकी प्रोसीड किसके हाथ में जाए तो वह बंदा जिसके हाथ में प्रोसीड देना है उसको हम प्रापक बोलते हैं उसको हम रिसीवर बोलते हैं जो आर्डर चालीस में इसकी व्यवस्था है तो एक रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द डिक्री, डिक्री के बाद या डिक्री के पहले रिसीवर अपॉइंट कर सकती है जब कोर्ट को लगे क्या जस्ट एंड कन्वीनियंट जस्ट एंड कन्वीनियंट का रूल है डिस्क्रिशन है कोर्ट का पर्सनल परसेप्शन है तो कोर्ट का ये राइट है और पावर है कोर्ट में कोर्ट में नॉट तो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है अगर कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया तब क्या होगा जब कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया तो इसको कुछ पावर भी असाइन करेगी मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा काबिज़ है तो उसके कब्जे को हटा दिया जाएगा और प्रापक को वहाँ पे बैठा दिया जाएगा प्रापक को जो पावर दिया जाएगा वो प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत पावर हैं जैसे प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट रियलाइजेशन एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो ये सारे पावर इसको दे दिए जाएंगे उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेगा रियलाइजेशन के लिए कुछ भी करेगा उस प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई उस पर कब्जा करता है तो मुकदमा भी दाखिल करेगा उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव अगर करना है किसी तरीके से तो इंप्रूव भी करने का प्रयास करेगा मैंने प्रापक को बहुत सारे पावर हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर के अगर वो एक्चुअल ओनर होता और जितना उस प्रॉपर्टी के वेल बीइंग के लिए काम करता वो सारा काम ये प्रापक करेगा इतना ज़्यादा पावर है इसको रूल वन में ठीक है ना तो ऐसे इसको रूल से कोर्ट असाइन कर

घाटा नफा जो भी हो रहा है उस प्रॉपर्टी से तो इसका अकाउंट मेंटेन करेगा उस अकाउंट की जिम्मेदारी कोर्ट को समय समय पे बताता रहेगा ऐसा ऐसा हो रहा है कोर्ट कहेगी कोर्ट के डायरेक्शन से उसको पे भी करेगा और विलफुल नेग्लेक्ट और नेग्लीजेंस कुछ नहीं करेगा जिससे प्रॉपर्टी को लॉस हो जाए तो ये सब इसकी ड्यूटी है अगर इस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेगा तो ड्यूटी को इन्फोर्स करा दिया जाएगा ये रूल चार में लिखा हुआ है ड्यूटी को इन्फोर्स करा दिया जाएगा कैसे इन्फोर्स करा दिया जाएगा कोर्ट इसे कहेगी अकाउंट फर्निश करो तुमने क्यों नहीं फर्निश किया तुमने पे करो क्यों नहीं पे किया या तुम जो है विलफुल नेग्लेक्ट या नेग्लिजेंस से जो तुमने लॉस हुआ है प्रॉपर्टी को उसके लिए तुम रिस्पांसिबल हो तो रिस्पांसिबल हो तो क्या किया जाएगा इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाएगा और सेल आउट से जो प्रोसीड मिलेगा उससे प्रॉपर्टी का जो घाटा है उसको फुलफिल कराया जाएगा तो ये ये उसकी ड्यूटी को ऐसे इन्फोर्स भी करा सकते हैं रूल चार में लिखा है रूल पाँच में लिखा है वह प्रॉपर्टी जो लैंड रेवेन्यू पे करती है उसके लिए करेक्ट कलेक्टर में भी अपॉइंटेड एज रिसीवर तो उसके लिए कोर्ट जो है कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट कर सकती है तो इस तरीके से रिसीवर की पूरी पूरे प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्डर थर्टी नाइन आर्डर फोर्टी को देखा हमको समझ में आया कि आपको समझ में आया होगा अब एक चीज और इसमें ध्यान रखें क्यों वे एंटरिम आर्डर्स हैं सीपीसी के अंदर इसको मैं थोड़े कुछ मिनट में आपको बता दूंगा एंटरिम आर्डर्स क्यों है सीपीसी के अंदर देखिए अल्टीमेटली प्रोसीजरल लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि कंप्लीट न्याय होना चाहिए क्योंकि प्रोसीजर जो है ये रेमेडियल लेजिस्लेशन है रेमेडी प्रोवाइड करता है राइट right तो कहीं ना कहीं बता दिया गया है आपका उसी राइट right को इन्फोर्स कराने के लिए रेमेडियल प्रोसीजर ये बनाए गए हैं और रेमेडी से आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो जाए और आपके राइट right को कहीं से भी कोई इन्फ्रिंजमेंट न हो इसका पूरा प्रयास किया गया है इसीलिए एंटरिम आर्डर बीच बीच में भी आर्डर्स पास किए जाते हैं बीच बीच में आर्डर पास करने का यही है तरीका यही है ऑब्जेक्टिव ताकि न्याय पूर्ण हो सके किसी भी अग्रीब पार्टी के फेवर में ठीक है ना तो पूर्ण न्याय होनी चाहिए तो बीच बीच में आर्डर पास करा दिया जाएगा तो बीच बीच में आर्डर का ये जैसे बीच बीच में आर्डर में हम लोगों ने कितना देखा हम लोगों ने देखा कमीशन अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है नहीं पता चल रहा है प्रॉपर्टी ए की है कि बी की है और कोर्ट के सामने मुकदमा पड़ा हुआ है तो कोर्ट आखिर एविडेंसेस भी सफिसियंट नहीं है विटनेसेस सफिसियंट नहीं है और कोर्ट उस प्रॉपर्टी की टाइटल डिसाइड करना है तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर देगी वो कमिश्नर जाएगा जाकर के लोकल इंस्पेक्शन करेगा जाकर के मौका मुआयना करके रिपोर्ट तैयार करेगा ले आकर कोर्ट में देगा और उसके आधार पर ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट देगा उसी के आधार पर डिसीजन हो जाएगा लेकिन कोर्ट को एक क्लू जरूर मिलेगा कोर्ट को हेल्प जरूर मिलेगा टू नो एज टू ही हुई इज दी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी आगे कोर्ट भी इंक्वायरी करेगी लेकिन एक तरीके से असिस्टेंस मिल जाएगा ठीक है हालांकि इस सब में बड़ा खेल भी होता है जब आप देखेंगे जब कमिश्नर जाता है तो कमिश्नर पैसा लेकर के भी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ऐसे भी आपको घटनाएं आप देख सकते हैं जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल बता दूं एक प्रॉपर्टी है एकदम से अपनी मेरी प्रॉपर्टी है फ्रॉम मेनी इयर्स आई हैव पोजेशन ऑवर दैट प्रॉपर्टी लेकिन इसमें हमारे पड़ोसी ने मुकदमा कर दिया उसमें जो है कोर्ट कमिश्नर आया कोर्ट कमिश्नर आकर के जो नक्शा बनाया ऐसे बना रहा है जैसे वो पड़ोसी की प्रॉपर्टी है ऐसे बना दिया आप पता नहीं उसमें पैसे का खेल है क्या खेल है तो इस तरीके से भी होता है लेकिन कोर्ट को अल्टीमेटली इसमें अपना जुडिशियल माइंड लगाना है और जुडिशियल माइंड लगाने के बाद कोर्ट कंक्लूड करती है कि प्रॉपर्टी किसकी है तो इस तरीके से एंट्री आर्डर्स हैं तो यही नहीं एंट्री एंट्रीम आर्डर आर्डर थर्टी एट में देखेंगे आप अटैचमेंट एंड अरेस्ट बिफोर जजमेंट तो जनरली तो ये होता है कि जजमेंट के बाद अटैचमेंट होता है जजमेंट के बाद अरेस्ट होता है क्योंकि प्रॉपर्टी जो डिसाइड हो गई है वो जिस फेवर जिस व्यक्ति के फेवर में डिसाइड हुई है उसको नहीं दे रहा है वो वो बंदा तो कोर्ट क्या करती है कोर्ट इसको अटैच कर लेती है या अरेस्ट कर लेती है उस बंदे को बिफोर जजमेंट क्योंकि ऐसा करेगा ये ये देश छोड़ के भाग जाएगा तो इसको अरेस्ट कर लो ये जो कास्ट कोस्ट है ये नहीं जमा करेगा तो इसको अरेस्ट कर लो तो ये भी है बीच में अभी मैटर इज टू बी डिसाइडेड तभी अटैच हो गई तभी प्रॉपर्टी है तभी वो अरेस्ट हो गया तो ये भी एंट्री में ऑर्डर है इसी तरीके से हमने लोकेटरी ऑर्डर को देखा हम लोगों ने टेम्पररी जंक्शन को देखा हम लोगों ने प्रापक को देखा तो ये सारी में आर्डर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है

जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम्स टू हैव बीन एंड न्याय होना ही नहीं चाहिए होते हुए दिखना भी चाहिए तो उसमें बीच बीच के जो स्टेप है ना ये इंश्योर करते हैं कि नहीं जस्टिस हो रही है ऐसा नहीं है कि केवल बस चल रहा है चलने से नहीं होता जस्टिस हो भी रही है ताकि प्रॉपर्टी किसकी है जो बेनिफिट है वो बेनिफिट किसके हाथ में जाएगी अब मान लीजिए कि यही नहीं डिसाइड है कि प्रॉपर्टी ए की है कि बी की है मान लीजिए नहीं पता चल रहा है और प्रोसीड ए लेता जा रहा है और 10 साल के बाद प्रॉपर्टी डिसाइड हो गई बी के फेवर में तो ये प्रोसीड कैसे रियलाइज करेंगे प्रॉपर्टी तो दिलवा देंगे प्रोसीड जो उसमें से निकला वो तो खा पी गया बेच दिया ये कर दिया वो कर दिया वो कहेगा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है वो तो हम अपने जनरल नीड में हमने खर्च कर दिया तो वो प्रॉपर्टी वो प्रोसीड को आप कैसे दिलवाएंगे अपोजिट पार्टी को इसीलिए रिसीवर की व्यवस्था है तो रिसीवर रहेगा तो रिसीवर क्या करेगा वह रिसीव करता रहेगा रिसीव करके अपने पास रखता रहेगा और रख करके लास्ट में जब टाइटल डिसाइड होगी तो प्रॉपर्टी उसको दिलवा दी जाएगी तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि कंप्लीट जस्टिस पार्टीज़ के फेवर में हो और अकॉर्डिंगली न्याय हो सके तो ये सारे जो एंट्री आर्डर हैं ये इसी तरीके से हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल हो सके और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव को कहीं से कोई धक्का न लगे तो इस तरीके से ये सारे एंट्री आर्डर सी सी के अंदर गिनाए गए हैं जिसमें व्यवस्था ये सब चीजों की है तो इसमें मैं एक बार अब समप कर दू हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने दो देखा एक आर्डर थर्टी नाइन और एक आर्डर फोर्टी दो हम लोगों ने देखा आर्डर थर्टी नाइन में हम लोगों ने देखा एंटरिम आर्डर टेम्परे इंजंक्शन के थ्रू और आर्डर फोर्टी में हम लोगों ने देखा एंटरम आर्डर रिसीवर के थ्रू ठीक है तो टेम्पररी इंजंक्शन में हम लोगों ने क्या देख लिया टेम्पररी इंजंक्शन दो बातों के लिए प्रॉपर्टी पे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए तो, तो दो चीज़ों के लिए हम लोगों ने देखा टेम्परेरी इंजंक्शन और इसमें हम लोगों ने देखा कि टेम्परेरी इंजंक्शन जब ग्रांट किया जाएगा तो दोनों पार्टी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा जनरल रूल तो यही है लेकिन कभी कभी बिना सुनवाई के अवसर दिए हुए भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है उसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर टेम्प्रेरी इंजेक्शन जिसको दे दिया गया और वो उसको ओबे नहीं कर रहा है जिसके फेवर में जिसके अगेंस्ट टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया है वो उसको ओबे नहीं कर रहा है अदर डिस ओबे कर रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है तो उसके लिए भी हालांकि ये सिविल कोर्ट है लेकिन सिविल कोर्ट के पास मतलब वो पावर है पिनल पावर आप कर सकते हैं तो इनको अरेस्ट कर लेना इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना प्रॉपर्टी को अब सेल आउट कर देना ये सारी भी व्यवस्था है तो ये भी कर लेगी कोर्ट लेकिन वो अटैचमेंट और अरेस्ट का एक टाइम लिमिट है उतने ही देर तक अरेस्ट और अटैचमेंट होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा और कभी कभी एक्स पार्टी भी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाता है कभी कभी अगर ज़रूरत है कि दोनों पार्टी को सुनवाई कर दिया जाए तो सुनवाई करके और नहीं अगर डिले से डिफीट होने की संभावना है तो एक्स पार्टी भी हो जाता है तो यह डिपेंड करेगा फैक्ट और सिचुएशन पे और स्टे आर्डर ग्रांट हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टे आर्डर चलता ही रहेगा स्टे आर्डर वेरी भी हो सकता है सेटिसाइड भी हो सकता है तो वेरिएशन और सेटिसाइड भी हो जाएगा तो वेरिएशन सेटिसाइड हो जाएगा लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है और अगर टेम्प्रेरी इंजंक्शन कार्पोरेशन को ग्रांट हुआ है तो उसके आप पर बाइंडिंग होगा तो ये हम लोगों ने टेम्पररी इंजन को देखा उसी तरीके से जो हम लोगों ने रिसीवर को देखा तो रिसीवर में हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी के से जो प्रोसीड निकल रहा है उस प्रोसीड को किसके हाथ में रखा जाए और प्रोसीड को कैसे रियलाइज़ किया जाए तो इसके लिए रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा रिसीवर के पावर्स होंगे रिसीवर्स की ड्यूटी होंगी उसकी ड्यूटी को इन्फोर्स करा दिया जाएगा और ड्यूटी को इन्फोर्स कराने के साथ साथ ही क्या किया जाएगा कि उसको रेमोनोरेशन की भी व्यवस्था होगी और लास्ट में ये बोल रहे हैं कि भाई अगर वैसा लैंड है जो रेवेन्यू पे करती है तो रेवेन्यू पे करने वाले लैंड के लिए क्या करना है उसके लिए कलेक्टर को भी रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों प्रावधानों को समप किया अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आपको समझा पाया होगा तो हमको लग रहा है आपको ये समझ आया होगा प्रावधान तो इसलिए मैं अब सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू many a times we all think who am i why am i doing whatever i am doing why do i feel attracted towards others why do i feel very aggressive in certain instances why certain people or certain type of acts they repel me why is it that i always search for certain things which look very very ambiguous these are the things, these are the questions that all of us experience, all human beings. And you would realize that many a times certain domains of knowledge, especially within social sciences and all sciences at large, when you look at it from a philosophical point of view, they would try to give you the answers to these questions. Now, one of the branches of understanding which helps you understand things much better, which also helps you understand not only what is visibly present before you, what is glaringly apparent to you, rather, which also uh, no, tells you what is not visible at all, what, what goes within. Okay? And this is the subject knowledge, what is called as psychology. It is not only that it helps you understand the manifested behavior, the overt behavior, how you talk, how you speak, how you say it, how you interact, how you respond, not only that, but also what goes within, what makes you do this, what makes you think this way, what makes you act that way. Why is it that certain things you appreciate, certain things you feel attracted towards? and why is it that many a times in certain type of situations you feel you should completely go out of it you should not get any way involved into it the repulsion why is it that certain acts although you do not appreciate still you get involved into it then you reinterpret your own behavior and you start giving birth to certain type of experiences shame guilt pleasure appreciation you see world in a particular way you analyze it in a particular way you derive emotion out of it feeling out of it and the mix of what you perceived along with what you experience it makes you act in a particular way respond in a particular way your response is received by somebody else and then the other person also responds in that situation. Now, there are situations where several people interact simultaneously, the situation remains constant, and different people interact at the same time. You realize that your identity gets lost. You are not an individual, you act what is called as group behavior. You realize that you do not have an explanation for. Either, either favoring somebody or completely being unfavorable to the other person you later on realize that it was a favorable or an unfavorable attitude towards that individual you realize that you repeat certain form of behavior why you do not know people tell you that such type of repetitions are not normal human beings largely do not do that and then you realize that okay this is a particular pattern of a behavior for which i require the help of a specialist the specialist tells me that this pattern of behavior is given a particular taxonomy a particular nomenclature which is either some aberration in the normal behavior it is a neurotic form of a behavior psychotic form of a behavior it could be a psychosomatic response and psychology it covers all of this so, if you want to understand yourself, if you want to understand others, this is the subject which helps you achieve that target. It is behavioral sciences that makes you understand human beings, human responses, human existence in complete totality.